भाईजान, आपको पता नहीं, ये पता है कि नहीं पता है कि कल लाहौर के कजावी स्टेडियम में एक ऐसा तूफान उठा, और तूफान उठाने वाले थे पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ। तहस नहस करके रख दिया उन्होंने जनाब न्यूजीलैंड की टीम को, जो कि कल लग रहा था कि फाइट बैक करेगी, लेकिन जिस तरह जनाब बाबर आजम ने कल सेंचुरी बनाई और दुनिया में जनाब वो क्रिस गेल के बाद T20 मैचों में सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ उन्होंने बचाई। हालांकि क्रिस गेल की तो 22 है, लेकिन बाबर आजम की भी 9 सेंचुरियाँ हो गई हैं, और कल जिस तरह उन्होंने सेंचुरी दागी वो भी एक हैरत अंगेज था। एक मौके पर कभी नहीं लग रहा था कि वो शायद ये अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर सकेंगे, लेकिन जब इरादे मुसम्मम हो तो और तूफान आपके दिल में उठ रहे हो तो वो तूफान उन्होंने जनाब मुंतकिल कर दिया न्यूजीलैंड की बॉलिंग अटैक पर। और पहले 50 रन तो उन्होंने ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से नहीं बनाए थे, लेकिन उसके बाद बर्क रफ्तारी से जनाब सिर्फ 22 गेंदों पर उन्होंने अपने दूसरे 50 रन बनाए, 101 रन पर नाकाबिले शिकस्त रहे, और पाकिस्तान ने जनाब न्यूजीलैंड को 38 रन से शिकस्त दी। के लिए दाद देनी होगी, ये ज़रूर है कि छोटा सा तूफान उठाने की कोशिश की थी मार्क चैपमैन ने, लेकिन उसके तूफान को जो है वो दूसरे खिलाड़ी सपोर्ट ना कर सके, इसलिए न्यूजीलैंड की टीम जो है वो हार गई। लेकिन हार के भी उन्होंने, ये ज़रूर है कि उसको बी टीम सी टीम कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरह की इनिंग्स कल खेली बाबर आजम ने, अगर दुनिया का बेहतरीन अटैक भी होता, कोई भी बॉलिंग अटैक होता, कोई भी टीम होती, चाहे वो इंडिया की होती, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की होती, चाहे वो इंग्लैंड की होती, तो पाकिस्तान को कोई हिला नहीं सकता। उन्होंने कल तमाम बॉलर्स को हिला के रख दिया। और रही सारी कसर जो है उसके बाद जनाब किसने पूरी कर दी, हारिस रऊफ ने। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर अब नए रूप में उभर के आ रहे हैं, और वो जब से उन्होंने डेब्यू किया सबसे ज़्यादा विकटें इंटरनेशनल उन्होंने हासिल की हैं। कल उन्होंने पिछले मैच में अपने कैरियर बेस्ट बॉलिंग की थी, 17 रन पर 4 विकेट हासिल किए थे। कल जनाब उन्होंने 27 रन पर 4 विकेटें हासिल करके न्यूजीलैंड की बैटिंग की कमर तोड़ दी। ये ज़रूर है कि चैपमैन खड़े रहे, उनको दाद देनी होगी, उन्होंने थोड़ा सा तूफान खड़ा किया था और अपने तूफान को वो अपने साथ ही ले गए, क्योंकि सारे खिलाड़ी आउट हो गए थे, लेकिन चैपमैन जो है आखिर तक नॉट आउट रहे। उन्होंने अच्छे 65 रन बनाए, लेकिन बाबर आजम ने जिस तरह कल बैटिंग की और जिस तरह हारिस रऊफ ने बॉलिंग की वो भी यादगार थी। दूसरी तरफ जनाब छोटे मोटे तूफान जो है ना इंडियन प्रीमियर लीग में भी उठ रहे हैं, आपको पता ही है वो तो काफ़ी अरसे से, ख़ास तौर पर डेविड वार्नर की टीम जो दिल्ली कैपिटल है, जिसे फेवरेट करार दिया जा रहा था जनाब एडिशन के लिए, जो नया एडिशन शुरू हुआ इंडियन 2023 का, लेकिन 5वीं शिकस्त हो गई उन्हें। आप अंदाज़ा लगाएं, पता नहीं उनके साथ ये क्या चल रहा है कि उनकी टीम खड़ी नहीं हो रही, बुरी तरह शिकस्त खा रही है। उस देखें, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोयटा ग्लेडिएटर की टीम है, कोयटा ग्लेडिएटर के साथ जो पाकिस्तान सुपर लीग होती है उनके साथ भी ऐसा। उसमें वही प्लेयर राइली रॉसो कल खेलते थे कोयटा ग्लेड, आंद्रे रसल हैं, पृथ्वी शाह हैं, ये बड़े नाम हैं। उनकी कप्तानी कौन कर रहा है जनाब, कप्तानी कर रहा है डेविड वार्नर, और उसमें आंद्रे नौरखिया भी हैं। तो इतनी बड़ी टीम फेवरेट जनाब 5 मैच हार जाए, लेकिन सरे फहरिस्त है राजस्थान रॉयल, जिसके बारे में इतना जिक्र नहीं था, लेकिन भारत वो अच्छा खेल रहे हैं, 4 में से 3 मैच जीते हैं। कल जनाब जो टीम है जनाब फाफ डुप्लेसिस की, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने भी जनाब अपनी टीम को जीत में हासिल की, और उस जीत में बड़ा अच्छा किरदार अदा किया विराट कोहली ने, जो कि बाबर आजम के दोस्त भी हैं। कल जनाब उन्होंने, अगर बाबर आजम ने 100 रन बनाए तो वहाँ बेंगलोर में जनाब विराट कोहली ने अपने 50 रन से अपनी टीम को जिता दिया। विजय कुमार ने भी 3 विकेटें हासिल की। लेकिन इससे पहले कि इन दोनों मैचों की तफसील में जाएँ, आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे YouTube चैनल क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, पूरा देखें, और आपके जो कमेंट है ना वो हमारे लिए बड़ा एक दर्जा रखते हैं। हमसे कोई गलती हो जाए या हमको आरा कोई कमेंट हो तो उसका जब जवाब आता है ना तो फिर आदमी ज़रा उसको बड़ा एक हौसला मिलता है, वो सीखता है, अपने चाहे किसी से भी सीख सकता है। लेकिन फिर एक बार चलते हैं गजाफी स्टेडियम लाहौर, जहाँ पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान जनाब 4 T20 इंटरनेशनल खेले जाने, मुकम्मल तो 5 हैं, लेकिन उसके बाद फिर पिंडी में भी खेला जाएगा। तो पाकिस्तान ने 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। पहले मैच में तो पाकिस्तान ने बिल्कुल उनको रगेद के रख दिया था, जिस तरह उसमें हारिस रऊफ ने बॉलिंग की, 88 रन पर ढेर हो गई थी टीम, और 16वां ओवर चल रहा था,
तकरीबन मेरा ख्याल है कि अच्छी खासी बॉलें बाकी थी जब न्यूजीलैंड की टीम को शिकस्त दी, लेकिन कल का जरूर यह है कि न्यूजीलैंड ने कल फाइट बैक किया, लेकिन आखिर में वो बिल्कुल बेबस हो गए थे उनकी बॉलिंग। हालांकि जो उनके फास्ट बॉलर हैं जनाब, अपना क्या कहते हैं, देखिए बाज़ात आदमी बिल्कुल रिकॉर्डिंग कराते हुए बिल्कुल अपना भूल जाता, पिछले मैच में जनाब हैट्रिक कर दी थी उन्होंने, कल भी वो हैट्रिक करने वाले थे, लेकिन क्या हुआ कि दो गेंदों पर उन्होंने जनाब दो विकेट हासिल किए रिजवान के और उसके बाद जनाब फ़खर जमान के, लेकिन साइम अयूब ने वो जनाब हैट्रिक बचाई और वो हैट्रिक ना कर सके। वो कौन थे उसका हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं, लेकिन ये कल जो बैटिंग की है मार्क चैपमैन ने, ऐसा लग रहा था तमाम खिलाड़ी तहस नहस हो गए हारिस रोव के सामने, इमाद वसीम के सामने, शादाब खान के सामने, लेकिन चैपमैन आखिर तक नॉट आउट रहे। उन्होंने बड़े धुआंधार जनाब 65 रन बनाए और नॉट आउट हो के वापस पवेलियन गए। आखिरी गेंद पर उन्होंने छक्का भी जड़ दिया और वाकई इस बात का था कि वो आखिर तक उनको बॉलें मिलती और उनका कुछ साथ देने वाला होता तो पाकिस्तान के लिए फाइट कर सकते थे। एक मौके पर लग ही नहीं रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम इतने करीब आएगी, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का बड़ा स्कोर था, 38 रन को उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा और यही जो है वो मुश्किल। लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत बड़ा एक मैसेज है भाई पाकिस्तान की टीम को, तो अब जाके मैं तो ये कहता हूँ कि वहीं जाए आदमी पाकिस्तान की टीम और वर्ल्ड कप में जाके खेले, चाहे इंडिया खेलता नहीं था हमें जाना चाहिए और वहाँ जाके पाकिस्तान जो है ना ऐसे ही अपना जादू जगाए जैसे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जादू जगाए। देखें अब सिर्फ पाकिस्तान में एक शाहिन शाह नहीं है, हारिस रऊफ नहीं है, अब जनाब एहसानुल्लाह भी है, नसीम शाह भी है और उसके बाद जमान खान भी है। तैयार हो जाओ भाई इंडिया वालों, हम आएंगे वहीं, चाहे बेंगलोर में खेलें चाहे चेन्नई में खेलें, उधेड़ के रख देंगे बैटिंग को इंडिया की, क्योंकि जिस तरह की बॉलिंग है आपको भी पता है किस रफ्तार से बॉलिंग हो रही है, 150 किलोमीटर की फीर की घंटे की रफ्तार से ये सारे बॉलर कराते हैं और जिनकी वेरिएशन है, जो कल जिस तरह के खास तौर पर हाजिर हारिस रऊफ जिनका इस वक्त तूती बोल रहा है, दो मैचों में 8 आउट किए उन्होंने न्यूजीलैंड के अपने स्लोअर बम्सर से, अपने वेरिएशन से, बड़ी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं हारिस रऊफ। हालांकि इतने ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं हो सकी शाहिन शाह, लेकिन बहरहाल इसमें तो ऐसे ही होता है, T20 में